हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका फिर से अमन गोदर आर्ट्स में। और सुबह सुबह अभी धुंध काफ़ी हो चुकी है। अभी उठा था तो अभी ये लकड़ दिख रहे हो, इसको तोड़ के और आग के लिए अलग अलग पीस बनाने हैं। तो आज देखते हैं, अभी स्टूडियो भी जाना है, आज घर से इसी धड़ा रख जाना है। तो अभी पहले थोड़ा बहुत ऐसा काम वाम कर लेता हूँ, उसके बाद नहा धो के तैयार होके फिर स्टूडियो निकलूंगा। तो आज पूरे दिन का शेड्यूल आपको दिखा दूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो गाइस, ये अभी कुल्हाड़ी से इनको अलग अलग पीस कर रहा हूँ ताकि फिर वो आग जलने में थोड़ी आसानी हो जाए और थोड़े से जो ज़्यादा भारी लकड़ होता है वो जलने में थोड़ा टाइम लगाता है और छोटे छोटे पीस ज़्यादा अच्छे से जलते हैं। आप देख सकते हैं, मैं एक बार इनको पीस करने के बाद, अभी वैसे ये काम करते हैं तो गर्मी वैसे ही लगने लग जाती है, सर्दी लगती नहीं है, लेकिन ये बाद में काम आ जाएंगे, अभी सर्दी बढ़ी रही है। तो गाइस, अभी काम वाम सब निपटा के अभी एक बार नहा लेता हूँ, उसके बाद स्टूडियो के लिए निकलते हैं। तो मिलते हैं फिर स्टूडियो। तो दोस्तों, अभी रेडी हो गया हूँ और थोड़ा सा खाना खा रहा हूँ। देखो, देसी खाना है, आपको दिखाता हूँ ढंग से। ये चटनी है और ये बाजरे की रोटी है और साथ में ये घी रखा है। बिल्कुल देसी खाना है, काफ़ी दिनों में मिला है। खाना खा के निकल रहा हूँ, स्टूडियो जाके मिलेंगे डायरेक्ट, क्योंकि बाइक पे जाना है और सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ जाके मिलेंगे। मैं स्टूडियो 2 बजे पहुंच गया था, तो अभी फ़िलहाल मैं, उसके बाद मेरे को एक बार अर्जेंट जाना पड़ गया था एजेंसी वगैरह में, तो उसके बाद अभी फ़िलहाल मैंने एक टैटू कंप्लीट किया, वो अभी मैं आपको शो कर दूंगा। टैटू कैसा बनाया है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस, ये कवर अप टैटू है और ये आप देख सकते हो, इस नाम के ऊपर मैंने भोलेनाथ का त्रिशूल से कवर अप करने की कोशिश की है। और आप अभी देखो, मैंने करने के बाद कितना ज़्यादा कवर अप हो पाया है, कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने पूरी कोशिश की है उसको कवर अप करने की, मेरे को तो खैर दिख नहीं रहा। आप अगर कहीं पर अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो। तो अब नेक्स्ट टैटू जो है वो अपना माँ पा लिखवा रही है मैम, तो अभी आप देख सकते हो उस पर अभी काम शुरू है। ज़्यादा बड़ा टैटू नहीं है, छोटा ही टैटू है, तो लेकिन कलरफुल है, दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। तो आप देख सकते हो टैटू कंप्लीट हो गया है, कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा बना है। और जो जो चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बाय सबको।